सत श्री अकाल किसान वीरो, अज आपां गल करांगे 2021-22 दे विच फसलां दी MSP दे बारे। जे सीधी भाषा च कहीए फसलां दा सरकारी रेट की रहूगा 2021-22 दे विच। सब तो पहले जानदे आं मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुंदा की है। एक खेतीबाड़ी दे उत्पादां लई या प्रोडक्टां लई प्राइस या समर्थन मुल है जो सरकार वल्लों हर साल तय कीता जांदा है। तो MSP सुनिश्चित करता है कि किसान नूं घट्टो घट्ट एक फिक्स अमाउंट मिले जिदे ते उह आपदी फसल वेच सके, चाहे ओपन मार्केट दे विच उस फसल दा रेट घट ही क्यों ना होवे। ते MSP ते किसान सरकार नूं फसल वेच सकता है। ये प्राइस या अमाउंट फिक्स करन लई कोई पर्टिकुलर ला शुरू तो ही नहीं बनिया होया, ते ये मौके दीआं सरकारां वल्लों आपदे हिसाब नाल रेट नूं हर साल वधाया जांदा है। ते तिन जो नवें खेतीबाड़ी दे कानून बने ने उन्हां च वी इस नूं कोई पर्टिकुलर ला या रिटर्न स्टेटमेंट राहीं कोई श्योरिटी नहीं दिती गई भी तुहाडी फसल लई MSP असीं जारी रखांगे। यही मेन रीज़न है जिहदे करके लखां किसान अलग अलग स्टेट्स दे विच अज 10 महीनों तों वध प्रोटेस्ट कर रहे ने। सो पहले आपां जाणदे आं इन्हां फसलां दा रेट किन्ना वधिया इस साल, बाद च इस विषय ते चर्चा भी करांगे। किसान वीरो, सब तो पहले जे गल करिए नरमे की, तो उसका MSP इस साल सरकारी रेट जो है वह 6025 रुपये है। तो सरसों की गल करिए या मस्टर्ड की गल करिए 5050 कर दिती गई है। ये पिछले साल नालों 400 रुपये वधाई गई है। तो इस तो बाद जे गल करिए जौं दी, जिन्हों बारले भी कहा जाता है, तो ये 35 रुपये वधा के 1635 रुपये कराया गया है। उस तो बाद जे गल करिए चने की, 5230 रुपये हो गया है। तो ये रेट में 130 रुपये का वाधा किया गया है। उस तो बाद जे गल करिए मसलां दी दाल दी, 400 रुपये वधा के इंदा रेट 5550 रुपये कर दिता गया है। उस तो बाद सूरजमुखी 5327 रुपये विकेगी सरकारी रेट दे विच, ते एदे विच 114 रुपया का वाधा किया गया है। तो उस तो बाद बाजरे नू 2250 रुपये विकूगा। तो इस तो बाद मक्की का जो रेट है वह 1870 रुपये कर दिता गया है। तो जवार जो है जिहड़ी फोडर क्रोप जां जिहनू चारा क्रोप भी कहने आपां, वह 2758 रुपये है। तो उस तो बाद रागी है वह 3370 रुपये है। तो जेकर गल करिए कणक की, तो इस साल 40 रुपये वधा के 2015 रुपये कर दिती गई है। कोमन झोना या जिहनू आपां धान भी कहने आ, उहनू 1940 रुपये, अते ग्रेड ए दा झोना जिहड़ा है 1960 रुपये उहदा रेट किया गया है। तो इस टाइम जो झोने का रेट मंडी में मिल रहा है, उस तो संभावना है कि बासमती दी वरायटियां दा भाव इस साल चंगा रहूगा, जिमें कि PB1 2800 रुपये, 1509 जिहड़ी वरायटी है उहदा रेट 3300 दे आर बार चल रहा है। तो 11, 21, 17, 18, 14, 101 ये सारिया वरायटियां 3000 तो उपर प्रति क्विंटल का रेट चल रहा है। तो बाकी इन्हों का रेट एक्सपोर्ट पर भी डिपेंड करता है। जे इस साल जिमें ईरान ने पिछले साल इंडिया के झोने में ज़्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा होण करके इसका आयात घटा दिता सी, हुण थोड़े टाइम बाद इहदा जो टाई अप है वह दोबारा फिर होना है, एक्सपोर्ट यानी खुलेगा। सो उस पर भी ये काफ़ी निर्भर करता है, जिदे ते तुहानू एक वीडियो अलग तो आपां बना के दसांगे। जेकर गल करिए भारत सरकार की, तो जिस हिसाब नाल पेट्रोल या डीजल ते खादा स्प्रेयां दे रेट वधे ने, उस हिसाब नाल MSP विच कोई भी वाधा नहीं पाया गया है। इस नवी MSP दा किसान जथेबंदियां अते होर भी बहुते किसानां दी ऑर्गनाइजेशन वल्लों विरोध किया गया है। वैसे सोचण वाली गल ये है, पेट्रोल 80 तो 100 हो गया, डीजल 73 तो 93 हो गया, मोटा मोटा देखा जाए तो तेल दे रेट विच 20% वाधा होया है। तो दूजे पासे किसानां दी कणक दा रेट जो सिर्फ 1975 तो 40 रुपये वधाया गया है, मतलब सिर्फ 2% का वाधा किया गया है। तो कित्थे लागत 20% तो ज़्यादा वध गई, तो रेट सिर्फ 2% ही वध्या है। कि इस हिसाब नाल मोदी जी दी जो दुगनी आमदन करन दी स्कीम सी वह पूरी होगी, सोचण वाली गल है। किदां किसान आपदा ढिड भरूगा या किदां उहदी आमदन दुगनी होगी। उम्मीद करते हाँ तुहाडी पैदावार चंगी ते वधिया होगी, क्योंकि रेटां नाल तां कोई आमदन च फर्क पैना नहीं। सो उम्मीद करते हाँ पैदावार चंगी होवे ते तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा आमदन होवे। फिर मिलते हैं नवी वीडियो राहीं,
जे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो कृपया करके फार्मर्स वैलफेयर हब का चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों, ताड़ा दिन शुभ होवे।